दोस्तों, अगर आप एक YouTube पर नया वीडियो क्रिएटर हैं और आपने हाल ही में एक नया चैनल क्रिएट किया है, आप जानना चाहते हैं कि YouTube के वीडियोस पर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, YouTube पर वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखने से क्या बेनिफिट है, इसे हम कैसे सही से लिख सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि कैसे आप जब भी वीडियो को पोस्ट करते हैं YouTube पर, तो उससे पहले दोस्तों आप सही से कैसे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि YouTube से जुड़ी जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब YouTube पर आप वीडियो देखते हैं तो टाइटल बार को जब क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है, वही है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बार। वहां पर दोस्तों आप उस वीडियो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप दोस्तों अपने व्यूवर्स को और कोई जानकारी देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप दे सकते हैं, अगर आप अपनी वीडियो में नहीं बता पाए हैं तो। साथ ही दोस्तों आप दूसरे वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों उस वीडियो से रिलेटेड और दूसरे वीडियो को आप रिकमेंड करना चाहते हैं अपने व्यूवर को, तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, ताकि आपके जो व्यूवर होंगे उस डिस्क्रिप्शन की मदद से उस वीडियो तक पहुँच सकेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया है कि यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको कैसे सही से लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आप अपना वीडियो का टाइटल देते हैं, तो उसी प्रकार से वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आप उस वीडियो में क्या बताए हैं, आप एक छोटा सा वहाँ पर जानकारी दे सकते हैं कि उस वीडियो में आपने क्या बताया है। साथ ही आप दूसरे वीडियो का लिंक दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दे सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का हो या फिर फेसबुक का पेज हो, या फिर आपका और अगर कोई दूसरा चैनल हो तो उसका लिंक दे सकते हैं। साथ ही और भी आप वहाँ पर लिंक दे सकते हैं जो आप अपने व्यूवर को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप वहां पर अपने व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज दे सकते हैं, यानी कुछ संदेश दे सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप वहां पे कमेंट में लिख सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अपने बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, इस चैनल पर आप कौन कौन सी टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करेंगे, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया है कि यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखने से क्या बेनिफिट होता है और इसे आपको कैसे लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि YouTube वीडियो पर हैशटैग आप कैसे लगा सकते हैं, कहां पर आपको हैशटैग लिखना चाहिए। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर में आप आई बटन को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि हैशटैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम एंड स्क्रीन कैसे सेट कर सकते हैं वीडियो में, ताकि दोस्तों जब भी मान लीजिए कोई भी व्यूवर आएंगे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, दोस्तों उस वीडियो तक हम अपने व्यूवर को पहुंचाने के लिए हम एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर अभी आप देख पा रहे हैं। एंड स्क्रीन को कैसे लगा सकते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।